हम अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि सवर्ण बच्चों ने दलित कुक के हाथ का बना हुआ खाना खाने से मना कर दिया। ऐसी खबरें कई जगह से आई हैं, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो या फिर एमपी का मामला हो, कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। गुजरात से खबर आई है और आप देख रहे होंगे हमने लिखा है कि दलित कुक का खाना नहीं खा रहे ओबीसी बच्चे। ये खबर आई है गुजरात से और गुजरात में जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने एक दलित महिला कुक के हाथ का बना हुआ खाना खाने से मना कर दिया है। और ये खबर कई अखबारों में छपी है और बार बार ये हेडलाइन में ये बात लिखी गई है कि ओबीसी बच्चे मिड डे मील का खाना नहीं खा रहे। 147 बच्चे हैं जिन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। ये गुजरात के मोरबी एक जगह है, वहाँ का मामला है, मोरबी जगह का। और वहाँ के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, धारा मकवाना नाम की दलित महिला खाना बना रही है, लेकिन उसके हाथ का बना हुआ खाना बच्चे नहीं खा रहे। सबसे ज्यादा इसमें विरोध करने वाले लोग कौन है, बच्चे कौन है, ओबीसी समाज से आने वाले बच्चे हैं। 147 बच्चे हैं। कौन कौन सी जातियां हैं जिनके बच्चे नहीं खा रहे हैं, ये हिंदुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक, जिसमें जाति का जिक्र है, इसमें बताया गया है कि कोली, भरवाड़, ठाकुर और गादवी समुदाय से आने वाले बच्चे ये खाना नहीं खा रहे। और अखबार में, मीडिया में ये खबर छापी गई है कि ऐसा बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि आप स्कूल में जाकर ये जो खाना है मिड डे मील का, इसको ना खाएं क्योंकि उसे एक दलित महिला बना रही है। ये खबर अपने आप में बहुजन समाज की एकता का ख्वाब देखने वाले लोगों को परेशान करने वाली है, क्योंकि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि ओबीसी समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी एक समाज है, पसमांदा समाज एक समाज है और हमें मिलकर ब्राह्मणवाद, मनुवाद का मुकाबला करना है। लेकिन ये खबरें इस तरह की जब आती हैं तो परेशानी होती है। पहले हम इस खबर पर बात करते हैं, फिर इस मसले पर हम और आगे बात करेंगे कि क्या इसमें हो सकता है मामले में और क्यों हमें इसे सबक लेना चाहिए। पूरा मामला यह है कि यह गुजरात के श्री सोखदा प्राइमरी स्कूल की घटना है। धारा मकवाना नामक महिला को जून में स्कूल में खाना बनाने का काम मिला था, लेकिन 16 जून को उसने 153 बच्चों के लिए खाना बनाया। उनमें से 147 बच्चे ओबीसी समाज के हैं और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, यह अखबार की खबर कहती है। और अखबार के मुताबिक धारा मकवाना के पति गोपी मकवाना ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उस दिन खाना बन जाने के बाद जब बच्चे खाना खाने नहीं बैठ रहे थे, तब मैंने उनके माता पिता से इस बारे में पूछा और बच्चों के माँ बाप ने बोला कि वो अपने बच्चों को दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाने देंगे। धारा के पति ने यह भी बताया कि उस दिन वो पूरा खाना बर्बाद हो गया था। ये धारा और उनके पति जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं और खाना नहीं खा रहे। प्रिंसिपल ने भी ये बात को माना है। प्रिंसिपल ने के हवाले से इसमें लिखा गया है कि इसको लेकर समझाने की कोशिश हुई, बच्चों को समझाया गया, माँ बाप के साथ में मीटिंग हुई और मीटिंग में ये कहा गया कि आप बच्चों को खाना खाने के लिए बोलिए और इस तरह से जातिगत भेदभाव करना सही नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल के कहने के बावजूद जो परिवार हैं वो खाना खाने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, नहीं परमिशन दे रहे और उन्होंने खाना नहीं खाया। ये मामला बढ़ा तो फिर पुलिस के पास भी गया और पुलिस में शिकायत की। जो धारा है उनके पति, उन्होंने जाके इसमें शिकायत किया कि भाई हमारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा रहे, ये सीधे सीधे जातिगत भेदभाव का मामला है। लेकिन पुलिस ने उन दोनों की मदद नहीं की और ये कहा कि ये स्कूल का इंटरनल मामला है, ये आपका स्कूल के और आपके बच्चों के बीच का मामला है, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आप जाइए और बच्चों को समझाइए या जो भी करना है, लेकिन पुलिस में कुछ नहीं कर सकती। तो खबरों के मुताबिक पुलिस ने इसमें मदद नहीं की, प्रिंसिपल ने मीटिंग की लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। और ये जो जातियां हैं, आप देखें इनके नाम देखें, कोली, धरवाड़, ठाकुर और गादवी समुदाय के ओबीसी समाज के बच्चे, जो दलित महिला धरा मकवाना नाम की महिला उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा रहे। ऐसी ही खबर उत्तराखंड से भी आई थी। भोजन माता जो सुनीता देवी हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना जो है वो सवर्ण बच्चों ने खाने से मना कर दिया था, उनके माँ बाप ने उनको परमिशन नहीं दी थी। और अब हमें ऐसी खबर आ रही है कि अब ओबीसी समाज के बच्चों में भी ऐसी मानसिकता डाली जा रही है। बार बार हम कहते हैं ओबीसी समाज के लिए कि आप जो हैं अपने आप को समझिए, अपने पुरखों को, अपने नायकों को, नायिकाओं को पहचानिए, आप ये देखिए कि आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की संतानें हैं, आप छत्रपति शाहू जी महाराज की संतानें हैं,
हैं, आप पेरियार ललित सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, पेरियार के वंशज हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो किस तरह से जातिवाद के खिलाफ मुकाबला करते हुए अपने समाज को बनाने में योगदान दे रहे थे, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आप ये समझ क्यों नहीं रहे कि जो मनुवादी हैं, जो इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था बनाते हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें उस चीज को समझना होगा। ये बात सही है कि जाति व्यवस्था को बनाने वाले सबसे पहले ब्राह्मण ही थे, उन्होंने ही अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था का निर्माण किया, चतुर्वर्ण बनाया और उस पर फिर वेदों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर, स्मृतियों के नाम पर उसको जायज ठहराने वाले नियम भी थोप दिए और बार बार ये कहा कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा उससे क्षत्रिय पैदा हुए और जंगों से जो है वो वैश्य समुदाय यानी बनिय पैदा हुए और फिर पैरों से जो है शूद्र पैदा हुए। अब शूद्र कौन है ये समझिए, जो चतुर्वर्ण पुरुष सुक्ता ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि कैसे शूद्रों की उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा के पैरों से हुई है, वो शूद्र कौन थे? वो शूद्र आपके ही लोग हैं, आप ही हैं। हिंदू धर्म में चतुर्वर्ण में आपकी जो स्थान है, आपकी जो जगह है, वो पैरों के नीचे शूद्र श्रेणी में ही आपको रखा गया है, वहीं से उत्पत्ति बताई गई है। यही हिंदू धर्म का शास्त्र है, यही हिंदू धर्म के वेद हैं और वो शूद्र जो जातियां हैं वो आज की ओबीसी जातियां ही हैं। धोबी, कुमार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, ये जो जातियां हैं ये सारी की सारी ओबीसी समाज में आती हैं। मोची का काम चमार करते हैं, दलित करते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जातियां जो इस तरह का मेहनतकश करने का काम करने वाली जातियां थी वो सारी की सारी ओबीसी समाज की जातियां थी। अब ओबीसी समाज के साथ ऐतिहासिक तौर पर इतना कुछ बुरा हुआ लेकिन फिर भी वो इस व्यवस्था को समझ नहीं रहे, ब्राह्मणों ने जो जाति व्यवस्था बनाई थी उसको वो ढोने में लगे हुए हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, धर्मशास्त्रों के भी कानून हैं, उनका भी धर्म का प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे कंट्रोल किया हुआ है दिमाग को वो भी कारण है, लेकिन फिर भी हमें ये बात समझनी होगी कि बहुजन समाज की भलाई सामूहिक एकता में है, इस तरह से बच्चों के अंदर जातिवाद का कीड़ा डालने से नहीं, उनके अंदर इस तरह की घटिया सोच को पनपने के लिए हमें कोई जगह नहीं देनी चाहिए। इन बच्चों को ये आप शिक्षा हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, समानता का पाठ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, ना कि इस तरह की जो जातिवादी घटिया ट्रेनिंग है वो मिले। तो आप देखते हैं बहुत बार बच्चों को जो जाति की ट्रेनिंग है वो घरों से मिलती है, लोग अपने घरों में ही बच्चों को ये सिखा देते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है, किससे बात करनी है, किसके साथ खेलना है, किसके साथ खाना खाना है, ये सारी चीजें समझा दी जाती हैं। और जैसे अन्य जातिवादी घरों में ये बात सिखाई जाती है, वैसे शायद ओबीसी समाज के भी कई जातियों में ये इस तरह का, आप देख रहे हैं कि जो गुजरात से खबर आई है वो परेशान करे कि वहां पर भी इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, तो हमें समझना चाहिए। एक ऐसी ही खबर जो है आज ट्विटर पर भी आई है, जो सूरज बोध हैं मिशन अम्बेडकर, उन्होंने ट्वीट किया है, हालांकि नाम अरुण यादव, सचिन यादव दो बार लिखा है तो नाम हम कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनकी खबर में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है कि यूपी के सीतापुर में एक यादव टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, लेकिन वो अपने स्कूल की महिला प्रिंसिपल जो कि दलित जाति से आती हैं, दलित महिला प्रिंसिपल को खुलेआम गालियां दे रहे हैं, बहुत भद्दी भद्दी गालियां, भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते, इतनी गंदी गालियां वो दलित महिला प्रिंसिपल को दे रहे हैं, यादव हैं, ओबीसी जाति से आते हैं, और ऐसी तमाम खबरें भी आती हैं जिसमें कई बार जातिवाद को करने के आरोपी जो हैं वो ओबीसी समाज के लोग होते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारे जो अपने लोग, हमारे पुरखे हमको समझा के गए हैं कि आप बहुजन एकता बनाइए, उस एका को आप साकार कीजिए, उस ख्वाब को पूरा कीजिए जिसमें आप समझ सकें, क्योंकि आपने हिस्टोरिकली उस तरह की वंचना नहीं झेली, ये भी एक कारण है, क्योंकि आप धोबी कपड़े तो धो ही रहा था, वो सवर्णों के और जातिवादी लोगों के कपड़े धो रहा था, नाई बाल काट रहा था, कुमार जो है घड़े बना रहा था, बर्तन बना रहा था, जो किसान जातियां थी वो अन्न उपजा रही थी, और वो उनके साथ में कहें कि भले ही एक दोयम दर्जे का ही व्यवहार था लेकिन उनसे कम से कम उनका मिलना जुलना था, बातचीत थी, वो भले ही दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपना सामान बेचते थे लेकिन वो पहुंच पा रहे थे, जबकि जो दलित जातियां हैं उसमें उनको तो इतना बॉयकॉट किया गया समाज से कि उनकी परछाई से भी लोग नफरत करते थे, उनको घरों में नहीं घुसने देते थे,
उनका कोई काम नहीं होने देते थे, उनसे मिलने देने नहीं देते थे, उनको चलने नहीं देते थे, उनसे बात भी करना अपराध था। इस तरह की वंचना दलित जातियों ने झेली, लेकिन उसके मुकाबले में ओबीसी ने शायद ऐसा नहीं झेला है, और इसी वजह से उन्हें वो हिस्टोरिकली कनेक्ट नहीं मिलता है कि किस तरह से वो मनुवाद का शिकार हुए हैं, किस तरह से ब्राह्मणवाद ने उनका इस्तेमाल किया है। उनकी मेहनत के दम पर, जितनी उन्होंने मेहनत करी है, उनकी मेहनत श्रम के बल पर उन्होंने अपने संस्थान खड़े कर लिए, वो खूब तरक्की कर गए, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को बहुत हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कर दिया। आप देखें कि जज ओबीसी नहीं है, अगर वो हिंदू हैं तो फिर ओबीसी के जज क्यों नहीं बनाते हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, प्रोफेसर्स क्यों खाली पड़ी हुई है भर्तियां। आप देखें दुनिया भर में डाइवर्सिटी की बात होती है, लेकिन भारत में जैसे ही डाइवर्सिटी की बात आएगी तो नॉट फाउंड सुटेबल, तमाम बद्रीनारायण तिवारी जैसे लोग नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं, देते नहीं है सीट। ओबीसी की जितनी आप देखें वैकेंसी पड़ी हुई है, बैकलॉग पड़ा हुआ है, वहां पर भर्तियां नहीं होती। अगर ओबीसी हिंदू है तो फिर वहां पर आप क्यों उनको नियुक्तियां नहीं देते हैं, आपके अच्छे अच्छे वकील क्यों नहीं हैं, आपके अच्छे अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं हैं, आपके शानदार जो हैं आईएएस ब्यूरोक्रेट जो लोग हैं वो लेटरल एंट्री में उनको एंट्री क्यों नहीं दी जाती, उनको नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही अगर आप हिंदू हैं तो। तो हमें ये समझना होगा, ओबीसी को ये बात समझनी होगी कि ये हिंदुत्व का चोला उतारें, इस जातिवादी मानसिकता से मुक्ति पाएं और दलित समाज के साथ में मिलकर रहें, उनसे जुड़कर रहें। ये जो जाति का शिकार बनाने की जो प्रवृत्ति जातिवादियों ने मनुवादियों ने दिमाग में डाल दिया, उससे हमें बचना है कि वो मास्टरमाइंड वहां पर्दे पर पीछे खड़ा हुआ है, कहीं ऊपर बैठा हुआ है, सब देख रहा है और कठपुतली की तरह नचा रहा है, तो क्यों हम उनके हाथ में नाचें, क्यों हम अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाएं, क्यों हम अपने ही लोगों पर हिंसा करें, उनसे जातिगत भेदभाव करें, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें। हमें ये बात समझनी होगी। परिवार के तरह ही दलित बहुजन समाज, आदिवासी समाज, पसमांदा समाज को देखिए, ब्राह्मणवाद की चाल को समझिए, क्यों आपके लोग जो हैं इस कुव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं वो आपको समझना होगा। अपने लोगों को समझाइए कि वो जो कावड़ ढोने वाले लोग हैं वो बस्ता ढोएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, अपनी तरक्की करें, इस हिंदुत्व के छलावे से बाहर निकलें और पहचाने। पेरियार ललित सिंह यादव को पढ़िए, आपको समझ में आएगा, उनकी सच्ची रामायण पढ़िए। आप पेरियार साहब की किताब को पढ़िए सच्ची रामायण, और फिर पेरियार ललित सिंह यादव ने उन पे बहुत शानदार काम किया वो पढ़िए। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो कि माली समाज से आते थे, आप उनके गुलामगिरी पढ़िए, आपको समझ में आएगा आपके पूर्वज आपको क्या सिखा रहे थे। आप माता सावित्रीबाई फूले की कविताएं पढ़िए, वो बताती हैं कैसे हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, कितनी भेदभाव का शिकार हुआ है, आप उनको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप छत्रपति शाहू जी महाराज को पढ़िए जिन्होंने अपने राज में ब्राह्मण के जो जन्मजात आरक्षण था उसके उपचार के तौर पर, उसके इलाज के तौर पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, वंचित समाज के लिए 50% आरक्षण अपने राज्य में लागू कर दिया। और आप देखें मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, मंडल कमीशन जिसने तैयार किया, बीपी मंडल, रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों को पढ़िए, अर्जक संघ को पढ़िए, त्रिवेणी संघ को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आपके पुरखे कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी समाज के, जो लोग आपको हमेशा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के साथ एकता में जाइए, उनको अपना भाई बहन मानिए, उनके साथ मित्रता अपनाइए और फिर आप ब्राह्मणवाद से लड़ पाएंगे, इसकी बहुत जरूरत है। मुझे लगता है ओबीसी समाज को ये बात समझनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें। इस खबर से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है, ये हमको परेशान करने वाली खबर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनके समझ में आएगा। आप समझाएंगे अपने आसपास अपने लोगों को, ये बात समझाइए, आंकड़े दीजिए, जो डेटा आता है उसमें बताइए कि आप अगर हिंदू हैं, आप अगर बहुत महान हैं, आपका अपने आप को मार्शल कौम बता रहे हैं और उस छलावे में ही खुश हैं, तो आपके लोग वहां क्यों नहीं हैं, ये सवाल उठ खड़ा होता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। Thank you.